आज का क्लास हमारा जो टॉपिक है, वी विल बी लर्निंग एजाइल व्यू ऑफ प्रोसेस एंड एजाइल मेथड्स इंक्लूडिंग द एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। वी विल ट्राई टू कंप्लीट द लेक्चर, सो लेट्स बिगिन। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनिफेस्टो। वी आर अनकवरिंग बेटर वेज ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर बाय डूइंग इट एंड हेल्पिंग अदर्स टू डू इट। बेसिकली ये जो पूरी आपकी स्लाइड है, ये जो एजाइल का मैनिफेस्टो है, वहां से कॉपी की गई है। Agile कहता है कि through this work we have come to value individuals and interactions over processes and tools, working software over comprehensive documentation, customer collaboration over contract negotiation, responding to change over following a plan. तो basically चार चीजें हैं जिनको Agile ensure कर रहा है। एक individuals और जो interactions है between the teams and the processes and the tools, आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, मतलब हर चीज की कोरेस्पॉन्डिंग जो है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होगी। कस्टमर कोलैबोरेशन, मतलब आपका जो क्लाइंट है उसके साथ जो आपका कोलैबोरेशन है या उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की आपकी टर्म्स है और कॉन्ट्रैक्ट में आपकी रिक्वायरमेंट एंड एवरीथिंग सब कुछ आ जाएगा उसकी। एंड देन चेंज मैनेजमेंट, इन सबको जो है ये एजाइल हैंडल करते हैं और एजाइल में इनकी टेक्निक्स और इनकी अप्रोचेस अवेलेबल है और इनको देखते हुए जो है वो एजाइल चल रहा होता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है, जो न्यू प्रोजेक्ट्स पे या जो इस तरह के प्रोजेक्ट पे जिनमें चेंज ज्यादा आता हो या चेंज की पॉसिबिलिटी हाई हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो, वो एजाइल यूज करती है। दैट इज वेयर द व्हाइल देयर इज वैल्यू इन द आइटम्स ऑन द राइट, वी वैल्यू द आइटम्स ऑन द लेफ्ट। तो इन शॉर्ट, अगर आपको वर्किंग सॉफ्टवेयर की आपको एक वर्किंग सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा वैल्यूड वर्किंग सॉफ्टवेयर है, इट्स वैल्यू इज हाई, तो आप उसकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन उतनी ही कॉम्प्रिहेंसिव करते हो जितना आपका सॉफ्टवेयर जो है वो फॉर एग्जांपल सेफ्टी क्रिटिकल है, या फॉर एग्जांपल एविएशन में आपके पास जो है, अगर एयरक्राफ्ट की आप बात करते हैं, वो आपके उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है ऐसे सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर की जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो भी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होगी, डिटेल्ड एंड एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंटेशन होगी। व्हाट इज एजिलिटी? एजिलिटी इज इफेक्टिव रैपिड एंड अडैप्टिव रिस्पांस टू चेंज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स, ग्रोइंग द कस्टमर ऑन टू द टीम, ऑर्गेनाइजिंग अ टीम सो दैट इट इज इन कंट्रोल ऑफ द वर्क परफॉर्म। एजाइल जो है ये एजिलिटी से है, एजिलिटी में ये सारी चीजें आ जाती है। और इन शॉर्ट ये वही चीजें जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखी है। वी आर ट्राइंग टू समराइज द एजाइल के एजाइल बेसिकली किन किन चीजों को हैंडल कर रहा है। तो वन थिंग, एजाइल इज हैंडलिंग द चेंज। सेकेंड, एजाइल इज हैंडलिंग द कम्युनिकेशन। थर्ड, एजाइल इज हैंडलिंग योर क्लाइंट एंड द टर्म्स एंड द नेगोशिएशंस विद द क्लाइंट एंड एवरीथिंग। And fourth, agile is handling your team and organizing the team in order to control the work. Any questions still here? No, ma'am. Jazakallah. Okay, ji. तो एजिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ चेंज जो है ये हमारे पास, अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ये डेवलपमेंट कॉस्ट है, मतलब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की जो कॉस्ट हमारे पास आएगी ये वो वाली कॉस्ट है, दैट इज द डेवलपमेंट कॉस्ट। और ये हमारे पास डेवलपमेंट स्केड्यूल की प्रोग्रेस है, मतलब ये वो स्केड्यूल है जो आपने स्टार्टिंग पे या किसी पॉइंट ऑफ एट सम पॉइंट इन योर प्रोजेक्ट आपने ये स्केड्यूल किया होगा कि कौन सा माइलस्टोन कब चलेगा, किस तरह से चलेगा, कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा एंड एवरीथिंग। सो वी हैव कॉस्ट हियर एंड वी हैव डेवलपमेंट स्केड्यूल प्रोग्रेस हियर, कि हमारी डेवलपमेंट जो है सॉफ्टवेयर की वो इस टाइम पे किस स्टेज पे है। तो अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास तीन लाइंस है, एक हमारे पास ये ग्रे लाइन है जो ये इस तरह से जा रही है, ये लाइन बता रही है कॉस्ट ऑफ चेंज यूजिंग द एजाइल प्रोसेस। और एक हमारे पास डॉटेड लाइन है, ये बता रही है आइडियलाइज्ड कॉस्ट ऑफ चेंज यूजिंग एजाइल प्रोसेस। और एक हमारे पास ये डार्क लाइन है जो बता रही है कॉस्ट ऑफ चेंज using conventional software process. अब ये lines ये बता रही हैं कि अगर आप agile use नहीं करते, आप कोई conventional method use करो, let's say आप waterfall model use कर रहे हो, या let's say आप कोई सा और दूसरा model, ऐसा model जो traditional है, जैसे कि waterfall ही है वैसे तो आपका traditional, या कोई भी और model जो change को आपकी management की उसके पास अच्छी approaches या techniques नहीं है, वो change को handle नहीं करता। उसमें आपका जैसे जैसे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट स्केड्यूल प्रोसीड करता है और चेंज इनकाउंटर होता है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती जाती है।
अब देखिए डेवलपमेंट कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई एज कम्पेयर टू द स्केड्यूल प्रोग्रेस, मतलब डेवलपमेंट स्लो हो गई और कॉस्ट ज्यादा हो गई। अगर आप लोग वॉटरफॉल मॉडल की एक डायग्राम हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी, उससे अगर आपको याद हो तो आपको याद होगा कि हमने देखा था कि वी कैन ओनली गो अहेड, हम सिर्फ फॉरवर्ड जा सकती थी, और जब हम मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कंप्लीट कर लेते थे उसके बाद हम कोई भी चेंज लेके या कुछ भी एनीथिंग अपडेट लेके हम वापस फिर से स्टार्ट पे जाते थे या किसी एक ऐसे मॉड्यूल पे जाते थे जहाँ पे हमें बैक जाना होता था, और फिर हम उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए दोबारा एंड पर आते थे। तो अगर आप उसको कंसीडर करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाती है पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, और उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट अगर आप एजाइल को यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि एजाइल को यूज करते हुए आपकी स्टार्टिंग पे ना जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द वॉटरफॉल। इसकी रीजन यह है क्योंकि एजाइल जो है ये आपका स्टार्ट ही से कम्युनिकेशन एंड चेंज एंड एवरीथिंग ये सबको हैंडल कर रहा होता है, जबकि जो वॉटरफॉल है वो स्टार्टिंग पे उसकी कॉस्ट कम होती है क्योंकि स्टार्टिंग पे वो आपकी सिर्फ और सिर्फ वन बाय वन चल रहा होता है। पहले रिक्वायरमेंट्स कर ली, फिर डिजाइन किया एंड देन डेवलपमेंट किया एंड सो एंड सो ऑन। वॉटरफॉल की कॉस्ट उस टाइम पे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उस टाइम पे उसका टाइम ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जिस टाइम पे हमारे पास कोई चेंज या हमारे सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई अपडेट आनी होती है, बट इन दी अदर्स हमारे पास ये सिनेरियो नहीं आता। अच्छा, इसी तरह से ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास आइडियल सिनेरियो दे रही है, ये सिनेरियो रीच नहीं हुआ लेकिन ये आइडियल सिनेरियो जो कि एक्सपेक्टेड था कि अगर हम एजाइल को यूज करें तो हमारे पास ये डॉटेड लाइन का सिनेरियो अचीव होगा, जिसका मतलब ये है कि हमारी कॉस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक कॉन्स्टेंट लाइन पर चली जाएगी। आप देखें ये लाइन बाद में जाके स्ट्रेट हो रही है, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, बट ये कॉन्स्टेंट नहीं होती, कुछ इस तरह से जो है ये अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर ही में होती है, बट द कॉस्ट इज वेरी मच लेस एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल प्रोसेस मॉडल्स व्हेन दे वर यूजिंग द एजाइल। इन शॉर्ट ये डायग्राम हमें ये बता रही है कि एजाइल को यूज करने से जो हमारी डेवलपमेंट प्रोग्रेस है वो भी हेड गया, और जो हमारी कॉस्ट थी एक प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की, हमारी वो कॉस्ट भी रिड्यूस होगी एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मेथड्स। एनी क्वेश्चंस क्लास? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। सॉरी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि एजाइल में भी हम चेंजिंग जो है वो बार बार होती है, और इंक्रीमेंटल मॉडल में भी चेंज होती है और प्रोटोटाइप मॉडल में भी चेंजेस होती हैं, तो इनमें मैम डिफरेंस क्या होगा? बच्चे सबके हैंडलिंग के मेथड्स अपना अपना है। फॉर एग्जांपल आपका इंक्रीमेंट में कोई चेंज आता है और आपका एक इंक्रीमेंट चल रहा है तो वो चेंज आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट में ऐड करते हो, नेक्स्ट इंक्रीमेंट में ऐड हो रहा होता है ना वो चेंज। इसी तरह प्रोटोटाइप में आपके पास फीडबैक आता है और उसमें कोई चेंज होता है या कोई अपडेट होती है तो वो चेंज वो अपडेट भी जो है वो नेक्स्ट वाले में ऐड हो रही होती है। स्पाइरल में तो वो वैसे ही वो एक स्पाइरल में चलने लग जाता है एंड एवरीथिंग। तो सिर्फ इनके प्रोसेसेस में चेंज आ रहा होता है या इनके मैकेनिज्म्स में चेंज आ रहा होता है। मैम एजाइल चेंज हो रही है, एजाइल क्या डिटेल अभी करते हैं ना फिर आपको एजाइल का पता चल जाएगा, ठीक है फिर उसको डिस्कस। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एजाइल के जो है ना मेन क्रक्स और उसकी जो मेन उसका बेनिफिट हम सिर्फ उसको डिस्कस करना चाहते हैं कि बेसिकली एजाइल आया क्यों और एजाइल की नीड क्या थी। तो एजाइल सबसे बड़ा जो बेनिफिट था वो ये था कि इसमें जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाती है और जो हमारे पास कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। एजाइल प्रोसेस जो है जी ये ड्रिवन बाय कस्टमर डिस्क्रिप्शन होते हैं। अच्छा, एजाइल में कस्टमर जो है आपका एंड क्लाइंट जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, थ्रू आउट द प्रोसेस वो इन्वॉल्व होते हैं, और आप उसकी डिस्क्रिप्शन या वो जो फीडबैक दे रहे होते हैं आपका एजाइल का प्रोसेस या आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंग ही चल रही होती है। So we say कि agile is driven by the customer description. बच्चे आप में से किसका जो है वो अच्छा recognize that plans are short-lived. Agile जो आपका एक प्रोसेस मॉडल में जो ये प्लानिंग करता है ना प्रोजेक्ट को डेवलप करने की, agile की प्लानिंग जो है वो स्क्रम्स की फॉर्म में होती है,
ये लंबे चौड़े प्लान्स नहीं करता, मतलब सालों सालों साल के 10 10 years डेकेड्स के प्लान्स नहीं होते, जिस तरह आपके वाटरफॉल में होते हैं। आपके वाटरफॉल का जो प्लान बनता है वो ईयरली प्लान होते हैं, जबकि वो जो एजाइल है इसके प्लान्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। डेवलप सॉफ्टवेयर आइटरेटिवली विद अ हैवी एम्फेसिस ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। सॉफ्टवेयर को आइटरेटिवली डेवलप कर रहा होता है। अच्छा, इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव में डिफरेंस है, हम इस डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर कि इसका डिफरेंस रहता है। तो एजाइल जो है ये बेसिकली आइटरेटिवली सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा होता है, और जो इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल था वो इंक्रीमेंटल में कर रहा होता है। दोनों में डिफरेंस एट द एंड ऑफ द लेक्चर मुझे रिमाइंड करवाइएगा। जी ठीक है। मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट्स, मतलब वही चीज है इसमें भी जो है एजाइल में, मल्टीपल जो है वो सॉफ्टवेयर के वर्जन या मल्टीपल जो है वो उसके आप डिप्लॉय कर रही होती है। अडैप्ट्स एज चेंज अकर, जैसे जैसे चेंज आता जाता है एजाइल उसको अडैप्ट करता जाता है। बाय अडैप्ट मीन चेंज मैनेजमेंट की मेथडोलॉजीज या टेक्निक्स और अप्रोचेस आर अवेलेबल इन एजाइल, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपका एजाइल जो है वो जैसे जैसे चेंज आता जाता है वो आपकी प्रोडक्ट में उसको एड ऑन करता जाता है, उससे अडैप्ट करता जाता है। एनी कंफ्यूजन्स? एनी कंफ्यूजन्स स्टिल देयर? नहीं ओके जी। प्लान ड्रिवन वर्सेस एजाइल डेवलपमेंट है जी। प्लान ड्रिवन में ये होता है कि बेस्ड अराउंड सेपरेट डेवलपमेंट स्टेजेस विद द आउटपुट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट ईच ऑफ दीज स्टेजेस आर प्लान्ड आइटरेशन अकर्स विद इन एक्टिविटीज। एजाइल डेवलपमेंट में स्पेसिफिकेशन डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग आर इंटरलीव्ड एंड द आउटपुट्स फ्रॉम द डेवलपमेंट प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है। आपका जो प्लान ड्रिवन है ना उसमें एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है या एक आपका जो स्टेज है वो कंप्लीट होती है, उसकी आउटपुट जो है वो सेकेंड स्टेज को इनिशिएट कर रही होती है, उसकी आउटपुट थर्ड को इनिशिएट कर रही होती है। अब ये जो एक माइलस्टोन है या जो एक एक्टिविटी है या जो एक प्रोसेस है या जो एक मॉडल है, ये इनसाइड आइटरेटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका प्लान ड्रिवन मॉडल ये कह सकता है कि पहले जो है वो इम्प्लॉयज कंप्लीट होंगे उनकी फंक्शनैलिटी, देन वी विल प्रोसीड टू द स्टूडेंट। अब जो इम्प्लॉयज की फंक्शनैलिटी है उसमें आपका रिक्वायरमेंट डिजाइन वो इंटरलीव्ड में भी इंक्रीमेंटल तौर पर भी चल सकते हैं, इंटरलीव्ड होकर या वो आइटरेटिवली चल सकते हैं। लेकिन ये एक आपका प्लान है कि एक ही आउटपुट दूसरे दूसरे की तीसरे तीसरे के बाद चौथा। लेकिन जो एजाइल है इसमें अगर आप देखें तो इंटरलीव्ड एक्टिविटीज एंड स्पेसिफिकेशन डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग की, मतलब ये आपस में एक दूसरे से कटी चल रही है, कहने कंकरेंसी में चल रही है, या आप ये कह लें कि एक दूसरे को डिपेंडेंट नहीं है ये एक्टिविटी, और इन सब की आउटपुट जो है वो मिलकर आपकी जो है वो दी आउटपुट फ्रॉम दी डेवलपमेंट प्रोसेस आर डिसाइडेड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन। मतलब ये कि इन तीनों सब की, इन तीन चार प्रोसेसेस की जो आउटपुट्स है वो जब कंबाइन होती है फिर उस पर फीडबैक आता है, जो कि आपके क्लाइंट का हो सकता है, आपके स्टेक होल्डर का हो सकता है, आपकी टीम का हो सकता है, उसमें जो भी आपका फीडबैक आता है फिर आप उसको निगोशिएट करते हो। निगोशिएशन की सर्टन टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं कि कौन से चीज को पहले इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, कौन से को नहीं करना चाहिए एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद जो है वो आपका उसी तरह से वो चेंज अडेप्ट किया जाता है, डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो वन थिंग यू शुड रिमेंबर, द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इज वेरी सिंपल कि प्लान ड्रिवन में एक स्टेज की आउटपुट जो है वो आती है और फिर नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है। एजाइल में जो है वो आउटपुट्स इकट्ठी होती हैं हर तमाम स्टेजेस तमाम जो प्रोसेसेस है उनकी, और उन आउटपुट्स को इकट्ठा करके जो है वो आप उनकी उनके फीडबैक्स लेके उनकी निगोशिएशंस और फिर आप जो है वो उनमें चेंजिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके जी। अब हमारे पास ये है जी, ये भी प्लान ड्रिवन की है ये डायग्राम, और ये वाले डायग्राम आपके पास एजाइल की है। तो एजाइल में अगर आप देखें तो आपके पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हुई, उसके बाद डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, मतलब एक लूप में जो है वो इट कीप्स ऑन गोइंग। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के से आप जब तक आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग नहीं कंप्लीट हो रही आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे नहीं जा रहे। वंस यू गो टू द स्पेसिफिकेशन कंप्लीशन फिर आप डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हो, फिर आप डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन पे रहते हो जब तक आपका डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं, देन अगर कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है तो आप वापस जाते हो और फिर आप उसको चेंज कर रहे हो। प्रिंसिपल हैं जी एजाइल के मेथड के, वही अब ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पहले भी देखे हैं कि कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, चेंज को मैनेज कर रहा होता है, इंक्रीमेंटल डिलीवरी। अच्छा,
डिलीवरी इंक्रीमेंटल है, बाय इंक्रीमेंटल डिलीवरी के डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं, डिफरेंट आपके जो है वो मल्टीपल, वो आपको याद है इंटरमीडिएट रिलीज, इनिशियल रिलीज और फाइनल रिलीज, तो रिलीजेस इसमें भी इंक्रीमेंटल है, मतलब बाय इंक्रीमेंटल रिलीजेस के मल्टीपल रिलीजेस आ रही है, लेकिन जो इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो आइट्रेटिव है. द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एजाइल इज आइट्रेटिव. अच्छा, मेंटेन सिंप्लिसिटी, बाय सिंप्लिसिटी वी मीन कि एजाइल का प्रोसेस सिंपल, ये सेट करता है कि आप एक लिस्ट बना दो जी टास्क की, हर बंदा असाइन करते हैं आप जिसको जिसका जो सा टास्क है, छोटे छोटे स्क्रम्स बन जाते हैं और उन स्क्रम्स की बेस पर जो एजाइल है वो चलता रहता है. तो मतलब एजाइल हैंडल, एजाइल बेसिकली ब्रेक डाउन कर देता है आपकी बिगर प्रॉब्लम को इनटू स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड वन बाय वन उनको सोल्व करता जाता है. पीपल नॉट प्रोसेस. अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एजाइल की. एजाइल जो है ये इम्पोर्टेंस रहता है पीपल को, नॉट द प्रोसेस को. पीपल वर्सेस प्रोसेस रिमाइंड क्यों आएगा, इस पे भी छोटी सी डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली पीपल वर्सेस प्रोसेस है क्या, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर. हम डन, डू रिमाइंड मी दिस बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर, मुझे कोई एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा जी, रिमाइंड. फिक्र ठीक है, आई विल ऐड अ स्लाइड ऑफ पीपल वर्सेस प्रोसेस इन द नेक्स्ट लेक्चर. नहीं। मैम, जी ठीक, पीपल वर्सेस प्रोसेस का मतलब हुआ कि वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, ऐसे ही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये क्लाइंट ड्रिवन है ना आपका एजाइल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बट एक लंबी चौड़ी इसकी एक और एक्सप्लेनेशन भी है, तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू, ऑल्दो हमारे वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हम उसको सर जस्ट ब्रीफ सा डिस्कस करेंगे. बट जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एजाइल जो है ये क्लाइंट ड्रिवन प्रोसेस है. आपका जो भी फीडबैक आता है आपके कस्टमर से उसकी बेस पे जो है वो एजाइल चल रहा होता है, ये बेसिकली उनको इम्पोर्टेंस दे रहा होता है, नोट दी प्रोसेस. एक और चीज, जैसे आपके वाटरफॉल था ना, आपके वाटरफॉल में एक दफा जो रिक्वायरमेंट डिसाइड हो गई, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, बस वही कॉन्ट्रैक्ट चलेगा. एजाइल में जो है ना वो आपके कॉन्ट्रैक्ट की भी आप रिविजन करते रहते हैं, आप मे बी आपका कोई चेंज, बिकॉज चेंज को मैनेज कर रहा है ना और पीपल को इम्पोर्टेंस दे रहा है, तो इफ एनी चेंजेस देयर तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज होते रहते हैं, उनके साइन होते रहते हैं या न्यू अपडेट साइन होते. ह्यूमन फैक्टर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं. द प्रोसेस मॉडल्स मोल्ड्स टू द नीड्स ऑफ द पीपल एंड टीम, नॉट द अदर वे अराउंड. की ट्रेट्स मस्ट एग्जिस्ट अमंग द पीपल. और अच्छा, ये अब एजाइल मैनिफेस्टो ही बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो एजाइल की जो टीम हो उसमें ये वाली कुछ सेल्फ ट्रेट्स जो है ये मस्ट होनी चाहिए. वो कंपिटेंट हो, उनमें फोकस अच्छा हो, उनकी कोलेबोरेशन अच्छी हो, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज उनमें हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनकी अच्छी हो, उनका एक दूसरे में जो टीम का म्यूचुअल ट्रस्ट है और रिस्पेक्ट जो है वो मेंटेन हो, और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम हो, तो एंड सो मतलब ये कुछ 6 to 7 आई गेस ये ट्रेट्स हैं जो कि एजाइल मैनिफेस्टो खुद ही एक्सप्लेन करता है कि फॉर एन एजाइल टीम. ये सिर्फ इसलिए कि अगर आप एक एजाइल टीम सेलेक्ट करने जा रहे हो, यू वॉन्ट टू हैव एन एजाइल टीम इन योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन और सॉफ्टवेयर हाउस, तो यू शुड लुक फॉर दीज ट्रेट्स इन अ पर्सन टू हायर हिम और हायर. क्लियर है जी? ठीक यस। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग पे आते हैं. एक्सट्रीम प्रोग्राम, अच्छा आपने सिर्फ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझा, हम इनकी डिटेल्स में नहीं जा रहे. हम ये फर्दर आपका एक कोर्स आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, आप उसमें एजाइल को भी बहुत ज्यादा डिटेल में देखोगे और इसके आगे फर्दर जो इसके अप्रोचेज या टेक्निक्स आप उनको भी बहुत डिटेल में देखोगे. बट फॉर नाउ हम इंट्रो लेवल तक हैं, तो हम इंट्रो लेवल तक रहते हुए सिर्फ और सिर्फ इन चीजों का थोड़ा सा हिंट लेंगे कि बेसिकली ये एग्जिस्ट करती है और ये होती है. तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग टेक्स एन एक्सट्रीम अप्रोच टू आइटरेटिव डेवलपमेंट. न्यू वर्जन्स मे बी बिल्ट सेवरल टाइम्स पर डे. इंक्रीमेंट्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर्स एवरी 2 वीक्स. All tests must be run for every build and the build is only accepted if test run successfully. So, extreme programming में basically ये कहा जाता है कि हर ये 2 week ये span define हो जाता है. Sometimes it's 2 weeks, sometimes it's 3 or 4 weeks or even 6 weeks. तो इस span में आपने जितने भी आपने code किया होता है आपने उसको test करना होता है, उसके test cases आपने execute करने होते हैं. Once it's done, आप ऑलमोस्ट हर 2 वीक्स के बाद या ऑलमोस्ट हर जो भी आपका टाइम स्पैन आपने डिसाइड किया हुआ है उसके बाद आप एक डिलीवर कर रहे होते हो, एक रिलीज कर रहे होते हो एक वर्जन अपने कस्टमर को.
फिर आप उस पर फीडबैक ले रहे होते हो, उस पर आप देख रहे होते हो कि क्या चेंज आया है या क्या फीडबैक आया है, वेदर इट्स गुड और बैड और एनीथिंग, और उसको आप इनकॉर्पोरेट करके नेक्स्ट 3 और 4 वीक्स में जो भी आपका टाइम स्पेन है उसमें आप अगेन एक रिलीज दे रहे होते हो. अगर आप में से कोई फेमिलियर हो डिफरेंट गेम्स, अगर खासतौर पर एंड्रॉयड गेम्स अगर आप में से कोई खेलता हो शौक से, तो उनमें मोस्टली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग यूज हो रही होती है. उनकी हर मंथ एक अपडेट आ रही होती है, हर मंथ जो है वो गेम की एक अपडेट आ रही होती है, तो वो बेसिकली एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का रिजल्ट होता है कि दे की और वो दे टेक द फीडबैक, उसको एनालाइज करते हैं एंड देन दे कोड फॉर अ होल मंथ, और उसके बाद वो कोई सा एक एक फीचर भी रेडी हो तो आपकी एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में आपकी रिलीज आ जाती है. यू डू नॉट वेट फॉर अ होल मॉड्यूल और होल बिग चेंज इन योर गेम और इन योर सिस्टम. वो जो भी आपने उस 1 month का आपका जो माइलस्टोन था, जैसे ही वो अचीव होता है आप उसको रिलीज कर देते हो. दिस इज एक्सट्रीम. मैम जी बिलाल. क्वेश्चन ये कि अगर कोई ऐप है और उसका हमने स्टैंडर्ड वर्जन डाउनलोड किया लेकिन बाद में उसकी अपडेट्स आई हैं और अपडेट भी हमने कर ली है, तो हम वापस स्टैंडर्ड वर्जन पे जा सकते हैं? अगर आपके पास उसकी एपीके है सही स्टैंडर्ड सही वर्जन की, ओके मैम। आप देखें ना, अगर आप गूगल पे जाए ना, तो इन एप्लीकेशंस की वर्जन बेस्ड एपीकेस भी मौजूद होती हैं अक्सर एप्लीकेशंस यस मैम। की, तो अगर आप उनके उस वर्जन की एपीके डाउनलोड कर लेते हैं तो यस यू कैन हैव दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, एज लॉन्ग एज उसके जो फीचर्स हैं वो उसके सर्वर या उसके बैकएंड मतलब मेन हब से रिलेटेड नहीं है, अब यूज कर सकते. ओके जी बच्चे, मैम, इंक्रीमेंट और एक्सट्रीम प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? इसमें किसमें भी किसमें अपडेट हो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट में? जी मैम, इसमें भी अपडेट हो रही है, उसमें भी हो रही होती है साथ साथ। नहीं, उस इंक्रीमेंट में आप इंक्रीमेंट्स डिसाइड कर रहे होते हो इनक्री, और आपके एक इंक्रीमेंट नॉर्मली चल रहा होते हैं 3 months और समथिंग का, और उस एक इंक्रीमेंट में आप एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट के एक आप कंप्लीट मॉड्यूल कोड कर रहे होते हो. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हम कह रहे हैं 2 week में आपका जो जो भी फीचर डेवलप हुआ, वट एवर देर इज, आपने रिलीज देनी है अपने कस्टमर. हर 2 week के बाद आपने अपने कस्टमर को प्रोग्रेस दिखानी है कि दिस इज वट आई हैव डन इन 2 weeks. और इंक्रीमेंट में जब तक आपका वो एक इंक्रीमेंट नहीं कंप्लीट हो जाता उस स्पैन का, जब वट एवर आपका वो एक माइलस्टोन नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक आप अपने क्लाइंट को अपडेट नहीं देते, लेकिन इसमें हर 2 week के बाद आपने अपने क्लाइंट को अपडेट देनी है. अरबाज, क्लियर? ओके मैम। जी मैम, जी आप प्रैक्टिसेस इसकी हैं जी, यूजर स्टोरीज हैं, रिफैक्टरिंग है, टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट है और पेयर प्रोग्रामिंग है. अच्छा, वन इको यूजर स्टोरीज बेसिकली ये होती हैं कि आप जो है ना आपका एंड यूजर या जो आपका जो एक सिस्टम है अब उसकी सर्टन यूजर स्टोरीज है. फॉर एग्जाम्पल, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की एक स्टोरी ये हो सकती है कि एक स्टूडेंट आया, उसने अपना कार्ड दिया, उसने एक बुक सिलेक्ट की, उसने वो बुक इशू करवाई, वो उसके रोल नंबर के अगेंस्ट इशू हो गई, ये एक यूजर स्टोरी है. इस तरह से आप डिफरेंट जो है ना वो यूजर स्टोरीज लिखते हो और फिर आप उन यूजर स्टोरीज को जो है वो आप अपने में डिवाइड कर लेते हो कि ये वाली यूजर स्टोरी चलेगी और ये वाली यूजर स्टोरी मतलब उनको एक स्ट्रीमलाइन कर लेते हो कि ये वाली 2 यूजर स्टोरीज हमने इन 2 वीक्स की अपडेट में करनी है, ये वाली यूजर स्टोरी इस वीक में करनी है, ये यूजर स्टोरी इस वीक. तो हर वीक में आप कोशिश करते हो कि एटलीस्ट आप 1 or 2 यूजर स्टोरीज जो है वो डिलीवर कर रहे होंगे, जितनी भी आपकी यूजर स्टोरीज डिसाइड होती है बेस्ड ऑन देयर मैग्नीट्यूड एंड देयर मेजरमेंट, आप अपनी वो यूजर स्टोरी जो है वो डिलीवर कर रहे हो. रीफैक्टरिंग सिंपल है जी, कि आप एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को लेते हो, उनको मिलाते हो, उनको रीफैक्टर करते हो अपने अकॉर्डिंगली और उनको मिला के आप अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप कर रहे हो, तो दिस इज रीफैक्टरिंग. टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट है. पेयर प्रोग्रामिंग में बेसिकली आपके पास आ जाता है कि आपके इंस्टेड ऑफ वन आप 2 डेवलपर्स लेते हो और उनका एक पेयर बना देते हो. अब वो पेयर क्या कर रहा होता है, उसमें से एक कोडर जो है वो कोडिंग कर रहा होता है और दूसरा ऑब्जर्व कर रहा होता है. अब इसमें इसका फायदा ये होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करता है और वो आपको कहीं पे आपको कोई सिंटेक्टिकल मसला आ गया या कोई सी लॉजिक है तो वो आपको साथ में हेल्प आउट कर रहा होता है. और ये दो एक का जो पेयर होता है ये
इसी तरह से मतलब ये स्विच करते रहते हैं कि अब एक काम कर रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर है, पहला वाला वर्कर है दूसरा ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर इज जस्ट गिविंग दी आइडियाज और इज जस्ट पिंचिंग कि ये सिंटेक्स एरर है। और तो बेसिकली जो ऑब्जर्वर है वो आप कह रहे हैं कि वो एक तरह से ह्यूमन कंपाइलर का काम कर रहा है, वो उसके कोड को देखते हुए उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी राइटिंग्स एंड एवरीथिंग, और वो उसमें से एरर्स चाहे वो लॉजिकल हैं या सिंटैक्टिकल हैं या जो उनसे भी सेमेंटिक है, व्हाट एवर द टाइप ऑफ द एरर इज, वो उसको वो बता रहा है। तो ये पेयर प्रोग्रामिंग है जी। जो टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट है इसमें, ये टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट भी हम इसको कहते हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि आप एक हमने कहा था ना कि पहले इम्प्लीमेंटेशन होती है एक एप्लीकेशन की और फिर उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट कहती है कि पहले टेस्ट लिख लें आप और फिर आप उसको जो है ना, मतलब अब इसमें फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपने बुक इशू करानी है, इससे पहले कि आप बुक इशू करने का कोड लिखे आप उसका टेस्ट लिखे। अब टेस्ट ये होगा कि एक स्टूडेंट आएगा, वो अपना रोल नंबर देगा, वो बुक सेलेक्ट करेगा और ये बुक उसके नाम पे इशू हो जानी चाहिए और लाइब्रेरी इस बुक का स्टेटस जो है वो चेंज हो जाना चाहिए कि ये बुक इशू हो चुकी है, ये आपने टेस्ट लिख लिया। अब आप इम्प्लीमेंटेशन इस टेस्ट को देखते हुए करो, यू यू मेक श्योर कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस टेस्ट को जो है वो सेटिस्फाई करेगी, ये टेस्ट पास होगा। कंफ्यूजन्स मैम, रीफैक्टरिंग को एक बार रिपीट करिए। बच्चे रिफैक्टरिंग एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स लिए, फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में लॉगिन का मॉड्यूल है, आपने लॉगिन करवाना है। अब वही लॉगिन का मॉड्यूल आपने एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम किसी जमाने में बनाया था उसमें भी मौजूद है, तो आप वहीं से उसको कॉपी करो। उसको रीफैक्टर का मतलब ये होता है कि उसको उसमें थोड़े बहुत चेंजिंग्स आएंगे ना, वहां पे आपने एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ, यहाँ पे आप लाइब्रेरियन नेम लिख दोगे, तो वो चेंजिंग्स करके तो आप उसको अपने में अपने वाले सॉफ्टवेयर में इम्बेड कर। दिस इज वॉट रिफैक्टरिंग इज, दैट यू एक्चुअली यूज द एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। ओके मैम, अच्छा जी, एक्सपी का रिलीज साइकिल है जी। आपने यूजर स्टोरीज राइट की, आपने उनको सिलेक्ट किया कि इस वाली 2 वीक की रिलीज में ये वाली यूजर स्टोरी जानी है, उस यूजर स्टोरी को टास्क में आपने ब्रेक कर लिया, रिलीज को प्लान कर लिया। बाय प्लान वी मीन कि आपने ये जो टास्क बनाया ना ये आपने असाइन कर दी और आपने उनका वो सारा टाइमलाइन बना ली कि इस दिन में ये होगा ये होगा ये होगा। फिर आपने उसको डेवलपमेंट किया, मतलब उसको कोड किया और फिर आपने उसका टेस्ट कर लिया। टेस्ट करने के बाद आपने रिलीज कर दिया सॉफ्टवेयर कस्टमर को, फिर आपने उसका फीडबैक लिया, इवेलुएट किया उसको करस्पॉन्डिंग, और आप दोबारा ये साइकिल आपका चलता रहे। तो ये एक्सपी का रिलीज साइकिल है हमारा जी। एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? नो ओके, कंप्लीट है जी आज की लेक्चर, नेक्स्ट भी कर ले, मेरे ख्याल है हमारे पास टाइम तो है। मैम, जो पढ़ा इसकी समरी बता दें, सॉरी, जो लेक्चर आज पढ़ा इसकी समरी बता दें। इसकी समरी बहुत सिंपल है। हमने देखा कि एजाइल है क्या, और एजाइल है क्या उसमें हमने सिर्फ इतना देखा कि इट्स अ प्रोसेस मॉडल जो ये करता है कि जी वो कस्टमर ड्रिवन या क्लाइंट ड्रिवन डेवलपमेंट प्रोसेस है। वो आपकी टीम में कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है, आपका जो एक वर्किंग सॉफ्टवेयर इंश्योर करता है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन को इंश्योर कर रहा है, वो चेंज मैनेजमेंट कर रहा है, जो भी आपका चेंज आता जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो अडेप्ट होता जा रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा कि एजाइल की टीम जो बनानी हो तो उस टीम में कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर्स आपको नोटिस कर देखने चाहिए, कौन से फैक्टर्स होने चाहिए। फिर हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, एक एजाइल ही की एक अप्रोच है, हमने वो देखी। और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में हमने देखा कि जी आप हर 2 वीक्स में जो है वो कोई ना कोई रिलीज दे रहे होते हो। फिर हमने इसकी प्रैक्टिसेस में देखा कि यूजर स्टोरीज हैं जिनमें आप स्टोरीज बना लेते हो, रिफैक्टरिंग कर लेते हो, टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट कर लेते हो, या आप पेयर प्रोग्रामिंग कर लेते हो। देन हमने उसका रिलीज साइकिल देखा जिसमें आप सिलेक्ट कर लेते हो कि ये वाली यूजर स्टोरीज इस रिलीज में जो है ये हम रिलीज करेंगे, और फिर आप उसको टास्क में ब्रेक डाउन करते हो, प्लान करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, टेस्ट करते हो, रिलीज करते हो, फीडबैक लेते हो, एंड यू कीप ऑन गुड डूइंग दिस। ये इस लेक्चर की समरी थी जी। क्वेश्चन? मैम, आपने डिफरेंट इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव, लेट मी गिव मी अ मिनट।
कॉफी ओके, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके जी, इस टाइम पे आपको कुछ विजिबल है स्क्रीन पे? ओके, ओके, आई थिंक दिस पिक्चर बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल। तो जस्ट टेक अ लुक और फिर आप में से मुझे कोई डिफरेंस बताएं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दिस पिक्चर इज रिप्रेजेंटेटिंग द आइटरेटिव मॉडल एंड दिस पिक्चर इज रिप्रेजेंटेटिंग द इंक्रीमेंटल मॉडल। मैम आइटरेटिव मॉडल, जी बात, मैम आइटरेटिव मॉडल आइटरेटिव मॉडल में ऐसा ऐसा वो अपडेट हो रहा है यानी, लेकिन जो इंक्रीमेंट में ऐसे से मिले एक छोटा टुकड़ा बना फिर इसी तरह वो यानी वो चीज इंक्रीज हो रही है। सही, एनीवन एल्स? सही कह रहे हैं, बस कोई और? मैम इंक्रीमेंटल में एक बार पूरा बन जाता है फिर उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट्स होती रहती हैं। इंक्रीमेंटल में पूरा बन गया? यस मैम, एक बार पूरा कंप्लीट हो गया फिर उसके बाद अगला वर्जन आ रहे हैं उसके। मैम इंक्रीमेंट में स्टेप बाय स्टेप जो है हम उसके अंदर चेंजिंग करते रहते हैं तो उसको कंप्लीट करते हैं। मैम कहना है मैम इंक्रीमेंटल में ना स्लाइसेस बन जाते हैं, चंक्स बन जाते हैं और एंड पे जाके उसको कंपाइल करते हैं। जी ठीक है बिलाल जी, जिया आप बताएं। मैम आइटरेटिव में हम तमाम फेजेस को, तमाम पूरे सिस्टम को हम एक साथ कवर करते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट कंप्लीट करते रहते हैं, और इंक्रीमेंट में हम एक पार्ट डिजाइन करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट फिर नेक्स्ट पार्ट पार्ट्स में करते हैं। ओके अब मैं एक डिफरेंस बताती हूँ। इंक्रीमेंटल में आपके पास पूरा सिस्टम है, ठीक है, आपने उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया, ये पहले इम्प्लॉय का मॉड्यूल करेंगे, फिर स्टूडेंट का मॉड्यूल करेंगे, फिर हम अकाउंट्स का मॉड्यूल करेंगे, फिर हम ये वाला, मतलब आपने मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया। अब आप एक मॉड्यूल करते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, करते करते एंड पे जाके जो है ना वो आपका सिस्टम कंप्लीट होता है, एंड पे जाके आपका सिस्टम कंप्लीट होता है, और इन मॉड्यूल्स को हम इंक्रीमेंट्स कहते हैं कि ये पहला इंक्रीमेंट था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसमें जो है ना वो आपका सिस्टम ग्रो करता है, ये ग्रो हो रही है ना, आपकी इमेज जो है ये ग्रो कर रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इसको ये इंक्रीमेंटल है। आइटरेटिव में जो आपका एक सिस्टम होता है ना उसको आप एक बेस लाइन पे रह के, मतलब बिल्कुल मिनिमम लेवल तक का आप सिस्टम कंप्लीट डेवलप कर देते। अब देखो ये कंप्लीट सिस्टम डेवलप हो गया, लेकिन ये बहुत बेसिक लेवल तक का आपका सिस्टम था लेकिन कंप्लीट था, ये डेवलप हो गया। उसके बाद आपके पास चेंज आया कि ये हैंड यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, आपने चेंज करके आइटरेटिवली उसी सिस्टम को चेंज किया और ये बन गया, फिर चेंज उसको चेंज किया, मतलब आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है ना, आपका सिस्टम कंप्लीट आइटरेटिव में, आप उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के जो एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स हैं उन्हीं को चेंज करके इम्प्रूव कर, आपका सिस्टम ग्रो नहीं किया, इम्प्रूव हुआ है, आपके सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हुई है, उसका थ्रूपुट टाइम इंक्रीज हुआ है। समझ लग रही है क्लास? आप बेसिकली आइटरेटिव, आइटरेटिव इज एन एजाइल डेवलपमेंट, एजाइल में जो डेवलपमेंट है ना वो आइटरेटिव नेचर में, तो आइटरेटिव नेचर में आप देखो ये चेंज हो रही है पिक्चर, देखिए हैंड यहाँ था यहाँ चला गया, दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ अ चेंज, के सिस्टम में चेंज आया तो किस तरह से इनकॉर्पोरेट हुआ। इंक्रीमेंटल में अगर आप देखें तो आपके पास जो पहला इंक्रीमेंट आया लेकिन सिस्टम कंप्लीट नहीं था, इट वॉज जस्ट वन मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम, वन पर्टिकुलर मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम, देन सेकंड आया, थर्ड आया, फोर्थ आया, आपका सिस्टम ग्रो किया, और एट द एंड जब तक आपका फाइनल रिलीज नहीं आई तब तक आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ था। ये आपकी इनिशियल रिलीज थी, ये तीन आपकी इंटरमीडिएट रिलीजेस थी, और ये आपकी फाइनल रिलीज थी। तो आपका सिस्टम जो था वो फाइनल रिलीज में जाके कंप्लीट हुआ था, जबकि आइटरेटिव में आपका सिस्टम पहली रिलीज पे भी कंप्लीट था, आपका यहाँ पे सिस्टम आपके पास कंप्लीट मौजूद था,
लेकिन अब आपने नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट रिलीजेस थी उनमें आपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया, और ये में भी कोई ऐसी लास्ट फाइनल रिलीज थी जिसमें आप योर क्लाइंट वॉज सेटिस्फाइड एंड देयर वर नो मोर अपडेट्स और नो मोर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई रूम नहीं था, तो ये आपकी वो फाइनल रिलीज थी। अब किसी को आइटरेटिव वर्सेज इंक्रीमेंटल में एनी इश्यूज? Any issues in incremental and iterative? Class, koi response? I need a response. No, okay. ओके जी, यहीं पे खत्म करते हैं ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो एजाइल को मजीद इन डेप्थ देखेंगे, इसके स्क्रम्स देखेंगे होते क्या हैं, एजाइल की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, हम इन चीजों को एक्सपेरिमेंट प्लीज दे। एक्सक्यूज मी मैम, मोहम्मद मोहसिन जिया, इज मोहसिन हियर? Okay, whoever the Mohsin is, kindly please let him know that time table ke accordingly हमारी यही class है, यही class है ना हमारी इसी time पे? Yes ma'am. तो okay, अगर Mohsin का, मेरा ख्याल है उनका कोई clash है, तो if उनका कोई clash है तो kindly Hamdan, would you please let him know to consult it with academics, because मुझे उनके clash की यहाँ से तो समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी ठीक है मैम। Thank you. जी बिलाल। मैम एक तो मैंने ये पूछना था, जो हमारे मार्क्स लगे हैं फ्लेक्स पे क्लास पार्टिसिपेशन के, वो किस बेस पे लगे हैं?